भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय हिंद। लेकिन हम ये मुद्दा एक लोकतंत्र को बचाने के लिए हम लड़ रहे हैं ताकि ये जो गैर कानूनी प्रक्रिया चल रही, जंगल राज चल रहा है, इसको खत्म किया जा सके। यहाँ पे जनता का राज है, लेकिन ये जनता का राज सिर्फ किताबों में। आज संविधान सिर्फ एक किताब बन के रह गई है। क्या हुआ? इस संविधान को बचाने के लिए कोई नेता नहीं आएगा, कोई महात्मा नहीं आएगा। इस संविधान को अगर बचाना है तो अभी देशवासियों को, यहाँ के वसई विरार वासियों को रास्ते पे उतरना पड़ेगा। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, मैं हूँ यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों, आज गणतंत्र दिवस है, रिपब्लिक डे है। सभी देशवासियों को आज गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस समय हम खड़े हैं वसई के डीसीपी कार्यालय के बाहर, DCP Zone 2। पिछले कई दिनों से यहाँ 36वां दिन है जहाँ आज यहाँ एक आंदोलन शुरू है, और इस आंदोलन में आज आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ आपको महात्मा गांधी जी की प्रतीकात्मक तस्वीर दिखाई दे रही है। वहीं एक तरफ जहाँ गांधी जी, तो दूसरी तरफ हमारे संविधान निर्माता बाबा साहेब अंबेडकर। आज संविधान लागू हुआ था 1950 में, और उसी संविधान की क्या महत्ता है वो दिखाने के लिए यहाँ आंदोलन को कुछ अनोखे तरीके से बनाया हुआ है। क्या है, जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस आंदोलन के मुख्य आंदोलनकर्ता एडवोकेट अशोक वर्मा जी से। नमस्कार वर्मा जी, पिछले 36 दिनों से आप आंदोलन कर रहे हो, इस तरह का आंदोलन, क्या कहना चाहिए? हमको बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि जिन महात्मा जी ने, जिन अंबेडकर साहब ने हमारे लिए कुर्बानियां दी, हमारे लिए बहुत त्याग किया, सेक्रीफाइस किया, और आज उनके बताए हुए संविधान के कानून को यहाँ की ब्यूरोक्रेसी अधिकारी, वसई विरार की स्पेशली बात करें, यहाँ के महानगर पालिका के अधिकारी या पुलिस विभाग के अधिकारी उसको मानते नहीं हैं, सिर्फ दिखावा करते हैं। फ्लैग होस्टिंग करेंगे, उसको सलाम करेंगे, उसके बाद सब भूल जाते हैं। सिर्फ पैसे का तंत्र यहाँ चल रहा है। इस वजह से हम इनसे माफ़ी मांगने के लिए एकत्र हुए हैं आज, कि हम महात्मा गांधी जी से और जो स्वतंत्रता के लिए बलिदान हुए बहुत महान आत्माएँ थीं, उन सबसे मैं माफ़ी मांगता हूँ कि आपने जिस उद्देश्य के साथ हमको आजादी दिलाई, लोकशाही दिलाई, लोकतंत्र दिलाया, प्रजातंत्र दिलाया, आज उसको फेल हो रहा है। जरूरी है सब लोग आगे आएं और उनके बलिदान को सम्मान दें और सच्चा स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट करें। अभी हाल फिलहाल में आयुक्तालय अंतर्गत काफी कुछ घटा है, उसके बावजूद आप इस तरह से एक ये आंदोलन कर रहे हैं, और कहीं धारा 144 भी लागू की हुई है, तो क्या इसका कुछ अलग इफेक्ट नहीं हो सकता? हमें संविधान ने अधिकार दिया है। संविधान में पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स हैं, और उस फंडामेंटल राइट के वजह से हमको अधिकार मिला कि मैं अपनी अभिव्यक्ति को लोगों के सामने लाऊं, विचार अपने रखूं, और इसलिए धारा 144 CRPC या महाराष्ट्र पुलिस एक्ट के जो सेक्शंस लगे हुए हैं, वो इस एरिया में तो इसे लगे नहीं है धारा 144, लेकिन जो महाराष्ट्र पुलिस एक्ट के जो सेक्शंस यहाँ लागू है वो हम पे एप्लीकेबल होते नहीं है। और हमारा आंदोलन शांतिप्रिय आंदोलन है, मैं कोई कानून हाथ में नहीं ले रहा हूँ, हम सिर्फ याद दिला रहा हूँ उन कुर्बानियों की जो हमारी महान आत्माओं ने दिया है, जो सेक्रीफाई किया। किसी ने जान दे दी है, किसी ने अपना तन मन दे दिया, किसी ने धन दे दिया, और स्वतंत्रता हमारे लिए दी। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उस स्वतंत्रता को हम बरकरार रखें, और जो गलत है उसको गलत कहें। आज यहाँ पैसा तंत्र हो गया है, यहाँ लोकतंत्र नहीं रही, पैसा तंत्र। अधिकारी सिर्फ आते हैं और पैसा कमाते हैं और चले जाते हैं। देश में क्या हो रहा है? जंगल राज पनप रहा है। इसलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं कि इस जंगल राज को दबाया जाए और दोबारा से हमारा जो भारत का संविधान बोलता है, जो रूल ऑफ लॉ है, वो लागू किया जाए। इसलिए हम ये आंदोलन कर रहे हैं, और हम मजबूर होकर आंदोलन कर रहे हैं। हमारे सामने कोई पर्याय भी बचा नहीं है, इसलिए आंदोलन जरूरी है। और हम लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि उन कुर्बानियों को याद करो जो शहीदों ने दी, जिन्होंने सेक्रीफाई किया, किसी भी तरीके से सेक्रीफाई किया, हमारे लिए किया। उन्होंने वो किसी ने भी उपभोग नहीं किया उसका, उन्होंने हमारे लिए किया। तो हमारी ड्यूटी बनती है उनकी उस भावना को आगे बढ़ाएं, और इस देश में सच्चा लोकतंत्र स्थापित रहे, इसी कामना के साथ हम ये आंदोलन कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल यह है कि आपके इस मुद्दे को लेकर हमने पुलिस डिपार्टमेंट से जब बात की तो उनका कहना है कि जहाँ का आपका जो विषय है उससे आप सीधे जुड़े हुए नहीं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये वो झूठ बोल रहे हैं। एक्चुअली अगर देखा जाए तो पुलिस एफआईआर दर्ज करने के लिए सीधे जुड़ा होना ना होना कोई जरूरी नहीं। सेक्शन 154 CRPC में ऐसा प्रोविजन है ऑलरेडी। लेकिन फिर भी मैं बोलता हूँ, जो महानगर पालिका जिस सेक्शन की बात कर रही हो, जिसका शेल्टर पुलिस ले रही है, वो सेक्शन है महाराष्ट्र म्युनिसिपल एक्ट का 264 में बोलते हैं। उसमें स्पष्ट लिखा है ऑक्यूपेंट मीन्स क्या, पोजीशन होल्डर। हर पोजीशन होल्डर को नोटिस देना चाहिए, इन्होंने किसी को नोटिस नहीं दी। और मैं भी वहाँ एक टेनेंट है और उसमें मैं पोजीशन होल्डर भी था, तो ऐसा नहीं बोल सकते हम डायरेक्ट नहीं जुड़े हैं। ये लोग क्या कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट को फैब्रिकेट कर रहे हैं। हमने जो है ना एक साधारण एप्लीकेशन भी दी कि हमको डॉक्यूमेंट दे दो, नहीं दे रहे, खाली बोल रहे हमारे पास डॉक्यूमेंट है। फिर हमारे मित्र सुमित्रानंदन जी ने RTI के तहत एप्लीकेशन दी महानगर पालिका में और पुलिस डिपार्टमेंट में, उसमें भी नहीं दे रहे। अगर आप सच हो हमको गिरफ्तार करो ना, हम झूठ बोल रहे हैं। ये मेरा सिंबॉलिक मुद्दा है, मेन मुद्दा मेरा यह है कि इस देश में रूल ऑफ लॉ स्टेब्लिश होना चाहिए। तुम्हारे सामने कॉग्निजेबल अफेंस का कोई शिकायत आती है, एफआईआर दर्ज करना चाहिए। हम डायरेक्ट भी इसमें इन्वॉल्व है, अगर देखा जाए तो डायरेक्ट है, हम डायरेक्ट लुकस स्टैंडाई है मेरी इसमें। लेकिन हम ये मुद्दा एक लोकतंत्र को बचाने के लिए हम लड़ रहे हैं, ताकि ये जो गैर कानूनी प्रक्रिया चल रही, जंगल राज चल रहा है, इसको खत्म किया जा सके। आज तुम FIR नहीं लिख रहे हो, इनके मनोबल और बढ़ रहे हैं। इन्होंने चालों गिराना शुरू कर दिया है, बिल्डरों से 50 लाख 1 करोड़ लेते हैं और जगह खाली करा दे, क्योंकि कोर्ट में अगर बिल्डर जाएगा तो उसको 17 साल लगते हैं, लेकिन ये 50 लाख 1 करोड़ उनको सस्ता पड़ता है, ये दे दिया। पुलिस विभाग उनसे मिली हुई है, महानगर पालिका और पुलिस विभाग दोनों संगनमत करके वो बिल्डिंग को ढहा देते हैं, बेचारे गरीब लोगों को बेरोजगार कर देते हैं। ठीक है, ये आज मेरा मुद्दा हो सकता है, लेकिन आगे तो समान जनता का मुद्दा है। 11 करोड़ से मेरा क्या मुद्दा है, गटर में क्या था, ये सार्वजनिक मुद्दा है, पब्लिक इंटरेस्ट में लड़े जाते हैं। और इस संविधान ने पब्लिक इंटरेस्ट को सबसे बड़ा इंटरेस्ट माना है। संविधान ने आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट को पावर है, जहां कोई पब्लिक इंटरेस्ट का मुद्दा आ जाए ना तो सारा कानून बाजू में रखो, पब्लिक इंटरेस्ट देखा जाएगा। ये लोकतंत्र से देश चलता है, लोगों से चलता है, तो लोगों के लिए लड़ रहे हैं हम, इसलिए जरूरी है। ठीक है, उनको अगर मेरे नाम से तकलीफ है ना, एक दूसरा उसमें विक्टिम है, उसका नाम है हेमंत सिंह, उसने लिख के दिया है कि हम भी FIR दर्ज कराना चाहते, क्यों नहीं दर्ज कर रहे। उनका तो डायरेक्ट है, उनके 3 फ्लैट है, उसमें वो बेचारे शादी में गए, अपनी बहन भाई के लड़के की शादी में गए, लौट के आए तो बिल्डिंग नीचे, तो ये तो जंगल राज हो गया। आप कानून अधिकारी हो, कानून का पालन करो ना, कौन आपके बीच में आता है। आप कानून पालन नहीं कर रहे हो, दड़पशाही करके हमारा आंदोलन खत्म करना सिर्फ चाहते हो, क्यों, ताकि आप फिर खुले हाथ से लूटो और यहाँ से जाओ, वसई विरार को जंगल राज में तब्दील करके निकल जाओ, बस यही आपकी मंशा है। अब बात करना चाहेंगे जो मानवो यहाँ महात्मा गांधी जी का रूप धारण किए उनसे। नमस्कार सर, क्या कहना चाहेंगे, आज आप इस तरह से महात्मा गांधी बने, क्या विषय। आज मेरा सौभाग्य है कि देश के बहुत बड़े नेता महात्मा, उनका रूप धारण करने का मुझे अवसर इन्होंने दिया है, मैं सबका आभारी हूँ। जिस तरह से महात्मा गांधी ने एक सामान्य लोगों की एकजुट करके इस देश की स्वतंत्रता में भाग लिया था, लाखों लोगों ने अपने घर उजाड़े थे स्वतंत्रता के लिए, लाखों लोग मर चुके थे, महात्मा गांधी ने जीत नहीं छोड़ी, महात्मा गांधी अपने जीत पे अड़े रहे। और इस स्वतंत्रता की लड़ाई में बैरिस्टर होने के बाद भी आम स्वतंत्रता में उन्होंने अग्रसर भाग लिया और इस स्वतंत्रता दी। महात्मा गांधी को ये लगा कि भाई स्वतंत्रता मिलने के बाद ये देश पूरे और देशों पे राज करेगा और ये देश महान हो जाएगा, इसलिए उन्हें बाबा साहब ने जो संविधान लिखी थी, उस संविधान के माध्यम से प्रजासत्ताक राज्य जो है हमारा राष्ट्र है वो बन गया। आज मैं देख रहा हूँ कि सही मानो तो ये प्रजासत्ताक बनने के बाद अंग्रेजों से भी बड़े लुटेरे हमारे देश में निर्माण हो गए, और फिर ऐसा लगता है कि फिर आज़ादी की लड़ाई लड़नी पड़ेगी और फिर एक आंदोलन बनना पड़ेगा, और उसी आंदोलन का नाम है वर्मा जी ने जो आंदोलन खड़ा किया है आम लोगों के लिए, उसी आंदोलन का एक मैं पार्ट हूँ। और मुझे गर्व है कि मैं आज यहाँ महात्मा गांधी बन के खड़ा हूँ। गांधी जी से हमने मुलाकात की, अभी अंबेडकर जी से मुलाकात करते हैं, इनका क्या कहना है, क्या कहेंगे। ये जो लोकशाही है, कहीं तो ये लोकशाही जो है इसका हनन हो रहा है हमारे इस महाराष्ट्र और पूरे भारत के अंदर, और खास करके वसई विरार इस क्षेत्र में इतने बड़े पैमाने पर जो भ्रष्टाचार जो अधिकारी कर रहे हैं, पुलिस कर्मचारी हो या महानगर पालिका के अधिकारी, एक सर्वसामान्य व्यक्ति के साथ में कोई अन्याय होता है, अगर वो FIR लिखाने भी चला जाता है पुलिस स्टेशन में, तो उसका FIR नहीं लिया जाता है। ये जो अधिकारी लोग हैं अपने आप को लोक सेवक ना कहते हुए ये अपने आप को इस देश के मालक समझ रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर की भूमिका लेकर यहाँ पे आंदोलन करने की हमें आवश्यकता पड़ी। इस आंदोलन से जुड़े एक और शिवसेना नेता अनिल चौहान जी है, अनिल चौहान जी क्या कहना चाहेंगे। सभी को गणतंत्र दिवस की शुभेच्छा है, लेकिन गणतंत्र दिवस बचाने के लिए सभी जनता को एक साथ आना होगा। ये प्रजासत्ताक राज्य जो हमें बाबा साहेब आम्बेडकर गांधी जी ने दिया है, उसको हमको बचाना होगा। आप देख रहे हो आज 36 दिन से वर्मा जी यहाँ पे आंदोलन में बैठे। आपने तभी कहा कि आप इस मुद्दे से जुड़े नहीं हो, लेकिन ये मुद्दा सिर्फ वर्मा जी का नहीं है, ये मुद्दा जनता का है। इस तरह से ये प्रवृत्ति है, ये प्रवृत्ति जिस तरह से ये पुलिस प्रवृत्ति हो या महानगरपालिका की प्रवृत्ति हो, किसी को भी बेदखल कर सकती है घर से, किसी की भी बिल्डिंग गिरा सकती है, किसी का भी मकान गिरा सकती है। ये जो प्रवृत्ति, हम इस प्रवृत्ति के खिलाफ लड़ रहे हैं। हमने आजाद मैदान में भी आंदोलन किया, हम यहाँ 36 दिन से कर रहे हैं, हम आगे भी आंदोलन करेंगे। ये हमारा पर्सनल आंदोलन नहीं है या वर्मा जी का आंदोलन नहीं है। हमें लोकशाही यहाँ जिंदा चाहिए। आप देख रहे हो देश में किस तरह से लोकशाही का दमन चल रहा है, किस तरह से संविधान का दमन चल रहा है। आज संविधान का ढांचा हिल चुका है। आज पुलिस की पावर इतनी हो गई है, पुलिस को इतनी पावर मिल रही है कि वो किसी को भी उठा के कहीं पे भी फेंक सकती है, किसी का भी घर तोड़ सकती है। मतलब ये जो अधिकारी चाहिए, जो आपने देखा, आपने सुना होगा, 1947 से पहले जब इंग्रजों का राज था, इंग्रज इसी तरह से काम करते थे, इसी तरह से दमन करते थे, इसी तरह से क्रांतिकारियों को अंदर डालते थे, इसी तरह से पीटते थे, इसी तरह से फांसी पे देते थे, इसी तरह से लोगों के हक छीनते थे। आज वही हो रहा है। यह आजादी की दूसरी लड़ाई शुरू है। इस लड़ाई में जनता को समझना चाहिए कि आप जनता को सिर्फ खुद से एक सवाल पूछना चाहिए कि जब उनको पुलिस स्टेशन से एक फोन आता है तो उनके मन में पहला ख्याल क्या आता है? डर। वो पहला किसी से फोन करेंगे, किसी को बोलेंगे चलो मेरे साथ। ये डर क्यों है? पुलिस के लिए जनता के मन में डर क्यों है? अधिकारियों के लिए जनता के मन में डर क्यों है? अब एक तरह कह रहे कि हम प्रजासत्ताक देश है, यहाँ संविधान से यहाँ पे जनता का राज है, लेकिन ये जनता का राज सिर्फ किताबों में है। आज संविधान सिर्फ एक किताब बन के रह गई है। आज यहाँ पे हमने 26 जनवरी के दिन देशभक्ति के गाने बजाने के लिए लाउडस्पीकर की परवानगी मांगी थी, वो भी हम कम डेसिबल में बजाने वाले थे, वो हमें नकारा जाता है। आज 36 दिन से इस पेड़ के नीचे यहाँ पे बैठे हैं, एक मंडप की परवानगी मांग रहे हैं, उस परमिशन मांग रहे, वो नहीं दी जाती। तो किस तरह का लोकतंत्र, किस तरह की ये प्रजासत्ताक, क्या मना रहे हैं हम? कौन सी खुशी मना रहे हैं? आज आप देख रहे हो देश में क्या हो रहा है, किस तरह से माहौल है। आप 2-3 दिन से देख रहे हो माहौल कितना गंदा हो गया है। देश में चल क्या रहा है? कहां, कौन सा संविधान बचा हुआ है? इस संविधान को बचाने के लिए कोई नेता नहीं आएगा, कोई महात्मा नहीं आएगा। इस संविधान को अगर बचाना है तो अभी देशवासियों को, यहाँ के वसई विरार वासियों को रास्ते पे उतरना पड़ेगा। उनको खुद सोचना है कि सही में क्या हमें पुलिस प्रशासन से न्याय मिलता है, क्या हमें अधिकारियों से न्याय मिलता है? नहीं। ये लड़ाई है। इसलिए आज हमने प्रतीकात्मक बाबा साहेब आम्बेडकर और महात्मा गांधी लाए हैं, क्योंकि ये दो ही महापुरुष थे जिन्होंने देश को, जनता को जागरूक किया था। ऐसे कई सारे महापुरुष थे, लेकिन इनकी लड़ाई लंबी थी। एक की लड़ाई थी जो सामाजिक जीवन पे, और एक की लड़ाई थी जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई, जो प्रजासत्ताक लाना है उसके लिए। तो आज जनता को सोचना है कि हमें किस विचारों पे चलना है। हमें गांधी जी के विचारों पे चलना है, हमें बाबा साहब के विचारों पे चलना है। और ये जो प्रशासनिक जो एक अधिकारी शाही चल रही है, यहाँ पे डेमोक्रेसी खत्म करने की जो साजिश चल रही है, तो उसके खिलाफ लड़ाई देनी चाहिए। इस लड़ाई में मैं ये कहता हूँ कि वर्मा जी की लड़ाई नहीं है। अशोक वर्मा जी इस लड़ाई के सिर्फ एक कारण है, लेकिन ये लड़ाई आम जनता की है, वसई विरार की जनता की है, और इस लड़ाई को हम आगे तक लड़ेंगे और जरूर, जब तक आखिरी सांस है तब तक लड़ते रहेंगे। यहाँ और भी लोग हैं, एक सामाजिक कार्यकर्ता परदेशी जी, क्या कहना चाहिए? मैं तो सर्वप्रथम 76 का दिन, 75 दिन को मैं बधाई देता हूँ, देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूँ। रही व्यवस्था की बात है, व्यवस्था में 36वां दिन है, आंदोलन चल रहा है, प्रशासनिक सिस्टम लाचार हो चुका है। व्यवस्था में जो हमें दिया है अधिकार वो नाकारते जा रहे हैं। वसई विरार महानगर पालिका क्षेत्र में भ्रष्टाचार इतना चरम सीमा पर पहुंचा हुआ है कि लोगों को जो मूलभूत सुविधा है वो ना के बराबर है। मैं प्रशासनिक संस्था है और जो बैठे ऊपर हमारे बड़े मंत्री महोदय है, उन्हें आग्रह करता हूं कि वसई विरार की जो स्थिति है वो अत्यंत दयनीय है और कार्रवाई बिल्कुल ना हो रहा है। हमारे पास जो वर्मा साहब है, उन्होंने आज कई दिनों से आंदोलन में जुड़े हुए, हम भी जुड़े हुए। मैं लोगों को भी आग्रह करता हूं कि आप भी आइए, कि लड़ाई जनता के हर एक है। प्रजासत्ताक का मतलब ये नहीं है कि कोई भी कानून में कुछ भी आप कर सकते हैं। प्रजा को सत्ता मिला है, उसमें हम बधाई देते हैं, मगर प्रजा की सुनवाई नहीं हो रहा है। संविधान में जो हमें अधिकार दिया है वो अधिकार में हमें वंचित किया जाता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि वसई विरार की जो भ्रष्टाचार इतने चरम सीमा पर पहुंचा हुआ है कि ताकि लोगों को न्याय मिले। और इसी के साथ मैं फिर दोबारा 76 का दिवस, प्रजासत्ताक दिवस को हम बधाई देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। रवि जी, आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले वसई विरार नाला सोपारा नायगांव के 30 लाख की जनता को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। बहुत कम शब्दों में बोलूंगा, वसई विरार की 30 लाख की जनता को ये कहना चाहता हूं कि आज का गणतंत्र दिवस कैसे मनाएं। आज के गणतंत्र दिवस के दिन आप ये शपथ लीजिए कि आप जो जंगल राज है उसको खत्म करेंगे वसई विरार से और जनता का राज लाने का प्रयास करेंगे। आप गुंडा तंत्र को खत्म करेंगे वसई विरार से और जनतंत्र को लाने का प्रयास करेंगे। इसके लिए आप लगातार प्रयासरत रहिए। हम लोग कुछ लोग हैं लेकिन लगातार लड़ते रहेंगे, 365 दिन लड़ेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं वसई विरार में सीएजी ऑडिट की मांग को लेकर मैं बहुत दिनों से आ रहा हूँ, आज भी मैं आ रहा हूँ और इस सीएजी की ऑडिट की मांग को लेकर मैं आपके दरवाजे पर भी आऊँगा। और इस सीएजी ऑडिट कराने का मकसद ही यही है कि पुलिस तंत्र जो गुंडा तंत्र का रूप धारण कर चुका है, माफिया तंत्र जो गुंडा तंत्र का रूप धारण कर चुका है, कैसे पुलिस और महानगरपालिका के भ्रष्ट अधिकारी और यहाँ के गुंडे और माफिया एक दूसरे से मिले हुए हैं और 30 लाख की जनता को बेसहारा और निरीह बना दिए है। इनके खिलाफ जो लड़ाई है लगातार हम लोग लड़ते रहेंगे। आप सभी से आग्रह है इस लड़ाई में जरूर साथ दें। धन्यवाद। निश्चित ही वीडियो काफी लंबा हो चुका है लेकिन क्या है, हर एक के अपनी अपनी भावनाएं थी, उनको हमें दिखाना जरूरी था। और कुल मिलाकर यही कहना चाहेंगे कि जो कुछ है पिछले 36 दिनों से ये आंदोलन शुरू है, आगे भी जैसा इन्होंने अभी कहा कि आंदोलन जारी रहेगा। तो अब देखा यह जाएगा कि इस आंदोलन का स्थानीय प्रशासन के ऊपर कितना असर होता है और क्या वास्तव में जो अब तक नहीं हुआ वो आगे हो पाता है, यह फिर भी सवालिया निशान रहेगा। आज के लिए अभी के लिए इतना ही। वसई से यूसुफ अली। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।